यूक्रेन के बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 11 बचे हैं उस तारीख के आने में जिसके लिए कीव से पेंटागन तक तैयारी चल रही है। बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और यूक्रेन के हथियारों का गोदाम लगातार भरता जा रहा है। यूक्रेन की फौज उन मोर्चों पर पहुंचाई जा रही है जहां से रूस के लिए चक्रव्यूह तैयार किया जाना है। रूस के पलटवार को नाकाम करने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया गया है। रूस पर हवा से हमले के लिए MiG-29 यूक्रेन आ चुके हैं और जमीन पर रूसी फौज को धूल चटाने के लिए अब्राम्स, चैलेंजर 2 और मेड इन जर्मनी लेपर्ड टैंकों का काफिला भी तैयार है। इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर होगी, इससे भी ज्यादा आग होगी, इससे भी ज्यादा धमाके होंगे। लेपर्ड, चैलेंजर, अब्राम्स जैसे टैंक की शक्ति दिखेगी। पेंटागन के प्लान का असर दिखेगा, यूक्रेन के बारूदी भंडार की ताकत दिखेगी। सिर्फ 11 दिन बाकी है, 11 दिनों में हर कसर पूरी होनी है, 11 दिन में हर कमी को दूर करना है, 11 दिन में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह के आखिरी घेरे को भी फाइनल करना है। और फिर 30 अप्रैल से शुरू होगी वो महाजंग जो यूक्रेन की तकदीर तय करेगा, रूस की साख का भविष्य तय करेगा, अमेरिका की प्लानिंग का रिजल्ट बताएगा। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन में लैंड कर चुके हैं। 2 लाख सैनिक मोर्चे की तरफ कूच कर चुके हैं। लेपर्ड और चैलेंजर टैंक का काफिला तैयार हो चुका है। गोला बारूद और ड्रोन और हाईमास का भंडार तैयार है। लेटेस्ट रिपोर्ट पैट्रियट को लेकर है। यूक्रेन को आसमानी कवच देने के लिए जर्मनी ने पैट्रियट एयर डिफेंस भेजा है। मंगलवार को यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस को पहुंचा दिया गया। यूक्रेन को दिए जाने वाले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को गेम चेंजर माना जा रहा है। सिस्टम को कीव की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। इस सिस्टम को फायरिंग के लिए तैयार करने में 30 मिनट का समय लगता है। इसे फायर करने के बाद आसानी से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। यूक्रेन में एक और हथियार पहुंचा है, ये जेट्रॉस है। इस ट्रक का इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होगा। यूक्रेन को बर्लिन ने जेट्रॉस ट्रक दिया है। यूक्रेन को 16 जेट्रॉस भेजे गए हैं। जेट्रॉस ट्रक बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन को अमेरिका से कामिकाज से ड्रोन की सप्लाई भी हुई है। यूक्रेन ने इसका टेस्ट भी कर लिया है। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी ड्रोन से पहला प्रहार किया। तीस अप्रैल से यूक्रेन ठीक वैसे ही हमले करने वाला है जैसा हमला रूस ईरान के ड्रोन से करता रहा है। उम्मीद है कि यूक्रेन रूस के भीतर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे सकता है। यूक्रेन का पहला टारगेट क्रीमिया भी हो सकता है। वॉर जोन में गर्माहट, वहां संग्राम की आहट। पहली तस्वीर पुतिन की है। पुतिन हेलीकॉप्टर से खेरसोन पहुंचे। यहां नीपर ग्रुप की सेना का मुख्यालय है। पुतिन ने यहां की तैयारियों की जानकारी ली। पुतिन वोस्तोक के मुख्यालय भी गए और वहां भी रूस की तैयारियों का जायजा लिया।
दूसरी तरफ जेलेंस्की भी कीव से बाहर निकले, जेलेंस्की डोनेट्स्क के एक अस्पताल पहुंचे और युद्ध में जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद जेलेंस्की बाखमुत के करीब अवदीवका पहुंचे। रूस के सबसे प्रचंड हमले का सामना कर रहे सैनिकों को जेलेंस्की ने पुरस्कार दिया, कमांडर से जानकारी ली। दोनों नेताओं के अग्रिम मोर्चे पर जाने का सीधा संकेत यही है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो तारीख 30 अप्रैल हो सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे के बाद रूस के रक्षा मंत्री शोइगु भी मोर्चे पर निकल चुके हैं। शोइगु ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के एक रेजिमेंट के कमांडर से मुलाकात की है। ये रेजिमेंट कलुगा में तैनात है। रूस ने इशारा दिया है कि अगर यूक्रेन ने हद पार की तो रूस की न्यूक्लियर फोर्स जवाब देने के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन में आए पश्चिमी देशों के टैंकों से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। ये T-80 PV टैंक है। ये अब्राम्स और लेपर्ड से वजन में हल्का है। रूस ने टैंकों का काफिला वॉर जोन में भेज दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ज़ापोरिज़िया में सबसे पहले हमला कर सकता है। पुतिन के खेरसोन इलाके पर खास नजर की भी वजह है। यूक्रेन की सेना नीपर नदी के किनारे जमा हो रही है। खेरसोन में यूक्रेन के हजारों सैनिक मौजूद हैं। खेरसोन से सेना नीपर नदी पार कर सकती है। नीपर के किनारों पर भारी हथियार पहुंचाए गए हैं। नीपर को पार करने के लिए कई बोट जमा की गई है। साउथ कोरिया से भी यूक्रेन में हथियार पहुंचाए जाएंगे। रूस की तरफ से साउथ कोरिया को धमकी दी गई है। तमाम अटकलों की पुष्टि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कर दी है। इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमले के लिए 10वीं ऑपरेशनल कोर को यूक्रेन ने तैयार किया है। स्पेशल फोर्स के कमांडो भी अटैक के लिए तैयार है। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी है। इतना तो तय हो चुका है कि मई महीने की शुरुआत एक ऐसे महासंग्राम से होगी जो युद्ध का नतीजा दे सकता है। अमेरिका और यूक्रेन रूस को हराने के लिए किस हद तक जाएंगे और रूस क्या वाकई परमाणु हथियारों से अपनी रक्षा करेगा, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।